सो फॉर टॉपिक फॉर टुडे इज कंटेनराइजेशन. उससे पहले वी विल सी व्हाट WSL इज. तो जब आप एथिकल हैकिंग के कोर्स में आगे जाओगे या वेब 3 वाले कोर्स में आगे जाओगे तो आपको ये WSL वर्चुअल बॉक्स इनकी काफी ज्यादा नीड होगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सेटअप करना और इनको यूज करना आना चाहिए. तो जो WSL है वो है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स. मतलब ये विंडोज का फीचर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था. ये अलाउ करता है कि अगर आपको लिनक्स का एनवायरमेंट यूज करना है अपने विंडोज के अंदर तो आप यूज कर सकते हो. इसमें आपको VM की कोई जरूरत नहीं है, आपको डुअल बूटिंग की कोई जरूरत नहीं है. इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें पता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे हम जो यूज करते हैं वो है विंडोज, राइट. मैक OS भी एक होता है, लिनक्स भी है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम. अब लिनक्स के ना काफी सारे फ्लेवर्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. जैसे काले लिनक्स है, उसमें क्या होता है कि जो भी हैकिंग के टूल्स होते हैं काफी सारे वो इनबिल्ट आते हैं. तो ज्यादातर जो एथिकल हैकिंग में यूज होती है वो काले लिनक्स होती है. Ubuntu जो होता है उसमें थोड़ा टूल्स कम होते हैं. वेब 3 में जब हम ब्लॉकचेन डिप्लॉय करते हैं तो Ubuntu में वो इजिली हो जाता है, तो इसलिए हम Ubuntu करते हैं. एंड वी हैव फेडोरा, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं. तो वो सब लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हैं. अब WSL में क्या है, WSL में एक लिनक्स का CLI एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हो. जैसे कि तो उसके आर्किटेक्चर समझते हैं हम पहले. अभी क्या हुआ ना, WSL जब लॉन्च हुआ था तो उसका वर्जन 1 में क्या था कि जो हमारा विंडोज का कर्नल होता है. अब कर्नल क्या होता है, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम आप सीखोगे तो अच्छे से पढ़ोगे. बट जो भी हम विंडोज में कुछ प्रोसेसिंग करते हैं या कुछ भी फाइल स्टोरेज करते हैं तो वो सब कर्नल करता है. तो विंडोज के कर्नल और जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हम डाल रहे हैं, जैसे Ubuntu हो गया या काले लिनक्स हो गया, उसके साथ WSL की एक ट्रांसलेशन लेयर होती थी जो कि इंटरेक्ट करती थी. मतलब कि जो भी कमांड या जो भी चीजें हम हमारे जो WSL के डिस्ट्रीब्यूशन पे रन कर रहे हैं उसको विंडोज के साथ जो भी इंटरेक्शन करना होता था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी WSL ट्रांसलेशन लेयर. लेकिन अब वर्जन 2 में क्या किया इन लोगों ने, अब इधर जो था लिनक्स का रियल कर्नल यूज नहीं हो रहा था, यहाँ पे WSL रिस्पॉन्सिबल थी ये सब कर्नल इंटरेक्शन के लिए. वर्जन 2 में क्या हुआ कि विंडोज के कर्नल के ऊपर एक हाइपरवाइजर डाला. अब हाइपरवाइजर कल हमने डिस्कस किया था कि बेयर मेटल हाइपरवाइजर होते हैं, होस्टेड हाइपरवाइजर होते हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डलते हैं जिनकी मदद से हम VM बनाते हैं, राइट. तो उसमें विंडोज कर्नल के ऊपर एक हाइपरवाइजर डालते हैं जो होता है हाइपर V. ये बहुत लाइट वेट हाइपरवाइजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने इनबिल्ट डाला होता है. तो इस हाइपरवाइजर को यूज करके लिनक्स के रियल कर्नल को यूज करते हैं यहाँ पे और उसके ऊपर हम जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हमें रन करनी है वो रन करते हैं. तो अभी तक किसी को डाउट है कि WSL क्या है या कैसे यूज करना है, यूज इंस्टॉल कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे. बट एक बेसिक आइडिया आपको लगा कि कैसे क्या है, मतलब क्यों यूज करना है इसको. कोई डाउट है अभी तक? ठीक है. तो जैसे लिनक्स पता है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज अलग होता है, राइट. तो अगर हमें लिनक्स को ही विंडोज के अंदर यूज करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डुअल बूट कर लें या फिर हम एक VM रन कर लें लिनक्स का. जैसे कल जो हमने वर्चुअलाइजेशन में किया था, हमने काले लिनक्स हमारे विंडोज पर डाला था विद द यूज ऑफ वर्चुअल बॉक्स, राइट. अगर हमें वो नहीं करना है, हमें बस लिनक्स का CLI एनवायरमेंट चाहिए. CLI समझते हो, CLI क्या है? ओके, एक्सप्लेन करो एक छोटी सी डेफिनेशन इन योर वर्ड्स. ओके, हाँ, तो मतलब कमांड लाइन इंटरफेस जहां पे हम सॉरी तो CL जैसे GUI होता है जहाँ पे हमें कुछ कुछ बटन दिख रहे होते हैं, कुछ कुछ हम इंटरेक्ट करते हैं माउस की मदद से, राइट. हम क्लोज कर सकते हैं, बटन होते हैं, हमें कुछ इमेजेस दिखते हैं. CLI में क्या होता है कि एक जैसे आई विल शो यू विंडोज में होता है टर्मिनल जहाँ पे यू कैन ओनली टाइप. जैसे तुमने इनपुट डाला कीबोर्ड से कि
कोई भी कमांड डाली. इट इज नॉट विजिबल. कट कट फ्रॉम जस्ट अ सेकंड. सो ये विंडोज का टर्मिनल है, सबने यूज किया होगा. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कुछ बटन नहीं दिख रहे हैं. यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी कमांड टाइप करेंगे और उसका हमें आउटपुट आएगा. मतलब हम कुछ इनपुट देंगे और आउटपुट आएगा, ये सब टेक्स्ट में आता है. तो इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, राइट. अगर मुझे लिनक्स का कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए हमारे विंडोज के अंदर, मुझे वीएम नहीं चाहिए, वीएम को बूट होने में टाइम लगता है, राइट. तो अगर मुझे वो एनवायरनमेंट चाहिए बस, तो उसके लिए हम यूज करते हैं WSL, विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स. तो मोहन अभी क्लियर है, ठीक है. बाकी जब हम सेटअप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तब अच्छा आइडिया लगेगा कि कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है. ये वर्जन 1 और वर्जन 2 में कंपैरिजन है कि मतलब दोनों में क्यों डिफरेंस है, क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटी है. जैसे कि ये विंडोज और लिनक्स दोनों में चलता है, WSL 1 भी चलता है, WSL 2 भी चलता है. फास्ट बूट टाइम, जब हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते हैं ना, तो वो एक नॉमिनल टाइम लेता है, 2-3 मिनट का. कोई भी वीएम अगर आपने चलाया होगा, जैसे काली लिनक्स चलाया होगा, तो 2-3 मिनट का टाइम लगता है उसको बूट होने में. तो जो WSL होता है ना, वो जल्दी बूट हो जाता है. और ये सारे उसके डिफरेंस है, ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, पढ़ सकते हो. तो अभी देखते हैं सेटअप कैसे करना है WSL. So is it visible properly? Everyone please confirm. Here, just a second. Abhi clear hai? Okay. तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल ब्लॉग है, कैसे इंस्टॉल करना है विंडोज में WSL को, ठीक है. तो हमें अपना टर्मिनल खोलना है, पावर शेल खोलना है. तो हमें टर्मिनल खोलना है और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, क्योंकि हम इसमें WSL इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमें उसमें एडमिन एक्सेस चाहिए. तो टर्मिनल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है. उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा पावर शेल का. यहाँ पे आपको WSL-install कमांड लिखनी है. तो जैसे यहाँ पे लिखा है WSL-install, उसके बाद ये आपको देगा कि इसके आगे ना आपको पैरामीटर डालना पड़ेगा कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन आपको इंस्टॉल करनी है. जब आप WSL-install लिखोगे ना, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी. जैसे यहाँ पे आ रही है Ubuntu, Debian, Kali Linux, Ubuntu 18, Ubuntu 20. तो ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है. अब इनमें से कौन से आपको इंस्टॉल करनी है, आपको उसका नेम लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट में हमने लिखा है WSL-list. लिस्ट करने से सेम चीज होती है कि मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है ना, वो आपको लिस्ट हो जाएंगी. तो उसमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करनी है. अब जैसे यहाँ पे कमांड लिखे है WSL-install-d, ये बताने को कि हम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करना चाहते हैं. एंड उसके आगे लिखा है हमने Ubuntu, तो ये फिर वो इंस्टॉल करने लगेगा. जब ये कंप्लीट होगा ना, तो जैसे हम नया सिस्टम स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद हमें यूजर नेम डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है. तो सेम वे में यहाँ पे भी हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा. तो इसने पूछा एंटर अ न्यू यूनिक्स यूजर नेम, यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल सकते हैं आप. जैसे यहाँ पे यूजर नेम डाला है स्टूडेंट, उसके बाद पासवर्ड डालना है और उसके बाद सेटअप कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे चेंज क्या आएगा, ये देखो. अभी यहाँ पे तुम्हें लिनक्स का जो वो होता है CLI, वो तुम एक्सेस कर सकते हो. यूजर नेम है तुम्हारा स्टूडेंट और जो नेम जो हम डालते हैं मशीन का, वो है employee03. तो अब इसके अंदर तुम कमांड्स रन कर सकते हो. जैसे mkdir होता है, डायरेक्टरी बनाने के लिए होती है कमांड लिनक्स में, राइट. ls होती है लिस्ट करने के लिए डायरेक्टरी. तो जो डायरेक्टरी हमने यहाँ पे बनाई है, उसको हमने यहाँ पे लिस्ट किया. फिर उसके अंदर cd होता है चेंज करने के लिए डायरेक्टरी. तो मतलब कि सिंपली क्या हुआ कि हमने हमारे विंडोज के अंदर एक CLI डाला लिनक्स का,
with the use of WSL. So is it clear? कोई doubt है? Any doubt? Okay. तो इसके बाद ना विंडोज में ना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे डायरेक्टली जाके तुम लोग उबंटू भी डाल सकते हो, मतलब डायरेक्टली भी इसको CLI से नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो. जैसे यहाँ पे उबंटू सर्च करेंगे तो उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला है ना ये डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल करके भी सेटअप कर सकते हो. तो ये तो है WSL. अब उसके बाद चलते हैं आगे कंटेनर्स पे. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोई भी एक्सप्लेन करेगा? यस. तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कंटेनर्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हैं और सारे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, सबका अलग अलग कलर है, राइट? कोई भी मिक्स नहीं हो रहा है एक दूसरे में, सब डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं हम उनमें. तो ये क्या करते हैं, ये सारे सेम शेप के होते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज ले जा रहे हैं, अलग अलग कलर्स है, अलग अलग मतलब दिख रहे हैं, आइसोलेटेड हैं. तो सिमिलर वे में कंटेनर्स होते हैं. कंटेनर्स क्या होता है कि जो भी हमारी एप्लीकेशन का कोड है या फिर उसकी डिपेंडेंसीज हैं उनको एक सॉफ्टवेयर यूनिट में बंडल पैक करना. मतलब हमने कोई एप्लीकेशन बनाई, उसका हमारा जो मेन सोर्स कोड होगा वो, उसकी जो डिपेंडेंसी होगी वो, उसको एक सॉफ्टवेयर यूनिट में पैक करना, उसको बोलते हैं हम कंटेनर. ठीक है, कंटेनर का अलग अलग नेम हो सकता है और मतलब अलग अलग एप्लीकेशन तुम पैक कर सकते हो, राइट? अब ये क्यों करते हैं, बहुत एफिशिएंट होती है, आइसोलेटेड रहती है हमारी एप्लीकेशन, जल्दी से तुम इसको डिप्लॉय कर सकते हो. एग्जाम्पल जैसे कि डॉकर. डॉकर काफी लोगों ने यूज किया. कितनों ने डॉकर यूज किया है या डॉकर का बेसिक आइडिया है? ओके, ठीक है. तो कंटेनर समझ में आया कि हमारी कोई भी एप्लीकेशन होती है उसका जो भी कोड होता है प्लस उसकी डिपेंडेंसीज को एक सॉफ्टवेयर यूनिट में पैक करना, उनको बोलते हैं हम कंटेनर्स. ठीक है, और इस मतलब पैक, एक हमारी एप्लीकेशन को पैक करने के प्रोसेस को, मतलब कि जो डिपेंडेंसीज और कोड हमने डाला उसको बोलते हैं कंटेनराइजेशन. अभी अच्छा समझते हैं. तो कल जो जो हमने वर्चुअलाइजेशन पढ़ा था उसमें क्या था कि हमारे पास हार्डवेयर था, उसके ऊपर हमारे पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके ऊपर हमने हाइपरवाइजर डाला और उसके बाद हमने अपने अलग अलग VMs बनाए जिसमें हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया. तो जैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने कल पढ़ा था वो था हार्डवेयर, CPU वगैरह, राइट? अब वो कौन सा हाइपरवाइजर डाला है, बेयर मेटल हाइपरवाइजर डाला है या होस्टेड हाइपरवाइजर डाला है, उसके बेस पे हम फिर हमारा VMs डालते थे. अब हर VM में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, राइट? जिसको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे. तो सेम यहाँ पे क्या होगा, कंटेनर्स में हमारा हार्डवेयर आएगा, उसके ऊपर हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, उसके ऊपर हमें कंटेनर इंजन डालना पड़ेगा जो कि डायरेक्टली एप्लीकेशंस को, कंटेनर्स को रन कर पाएगा. अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आया कि अब हमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालने पड़े. जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, जब हम एक VM बनाते हैं, ठीक है, अगर हमें बहुत छोटा सा काम करना है, उसमें एक एप्लीकेशन ही बनानी है, उसको बूट करने में कितना टाइम जाता है, वो ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है. बट इधर हम अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना रहे, इधर जो हमारा होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, बस हम अलग अलग एप्लीकेशंस को बाइंड कर रहे हैं. ठीक है, तो वही वर्चुअलाइजेशन में हमने हाइपरवाइजर डाला, उसके ऊपर हमने अलग अलग VM बनाए. हर VM का एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, लेकिन कंटेनर्स के केस में जो हमारा होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है हम उसी को यूज करते हैं और उसके ऊपर अलग अलग कंटेनर रन करते हैं. कंटेनर में क्या होता है, वही एप्लीकेशन कोड या फिर उसकी डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज वगैरह. तो अभी मेन डिफरेंस क्या आया, हमें ये तो पता चल गया कि चलो बूट होने में टाइम लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और कंटेनर्स को वो बूटिंग टाइम कम हो गया क्योंकि वहां पे अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं हो रहा, राइट? आइसोलेशन की बात करें तो VM में ज्यादा आइसोलेशन रहेगा क्योंकि उनको ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक VM का अलग अलग होता है. यहाँ पे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर रहे हैं तो आइसोलेशन कंटेनर्स के केस में कम होता है.
रिसोर्स ओवरहेड की बात करें तो हर वीएम का एक पूरा की पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हेवियर होते हैं, ये बहुत कम होते हैं क्योंकि ये होस्ट का यूज कर रहे होते हैं, तो इनमें इतना ज्यादा वो नहीं होता, रिसोर्स कंजप्शन नहीं होता। स्टार्ट टाइम हमने बात किया क्योंकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है तो बूट होने में टाइम लगेगा, यहाँ पे सेम यूज कर रहे हैं तो जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो मतलब ऐसे अलग अलग वीएम तुमने बनाए, ठीक है, बहुत ज्यादा रिसोर्स कंजप्शन करता है एक वीएम जब हम बनाते हैं, इस केस में हम मतलब कितने भी कंटेनर्स बना सकते हैं क्योंकि वो सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, उतना ज्यादा हैवी नहीं है, उतना ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम नहीं कर रहा, तो हम बहुत सारे कंटेनर्स बना सकते हैं। लेकिन वीएम के केस में क्या है, हम एक वीएम के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन बना सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा वीएम से ही बना सकते हैं, उधर भी एक हमारी लिमिट है। VM कहाँ यूज होता है, जो भी ट्रेडिशनल एप्लीकेशन होते हैं, मतलब ये क्या है कि अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उसके ऊपर एप्लीकेशन बनाना, अभी क्या है मॉडर्न एप्लीकेशन या माइक्रो सर्विसेज जो बनाते हैं, माइक्रो सर्विसेज मतलब कोई एक बड़ी सर्विसेज है उसके छोटे 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 चंक्स में हमने सर्विसेज बनाए, उनको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज, तो उस केस में हम कंटेनर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है क्योंकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है तो तुम फ्लेक्सीबल ज्यादा हो, ये लाइट वेट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मतलब तुमने कंटेनर्स बनाए, डिपेंड करता है कि कौन से कंटेनर्स बनाया उसके बाद तुमने एक और बनाया। सेम चीज डिप्लॉयमेंट स्पीड एंड रिसोर्स कंजप्शन, तो अभी तक कोई डाउट कंटेनर्स और वीएम में क्या डिफरेंस है उसमें, या वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन में क्या डिफरेंस है, Anyone? क्लियर है तो चैट में लिखो क्लियर है, नहीं है तो बताओ क्या डाउट है। ओके ठीक है, तो अब डॉकर जो है ना, डॉकर एक पॉपुलर कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम बहुत सारे कंटेनर्स रन करते हैं, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज करते हैं, तो पूरा आर्किटेक्चर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इस पे इमेजेस रन करते हैं, कैसे हम इस पे इमेज डाल सकते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे एक होता है डॉकर डीमन, फिर डॉकर क्लाइंट होता है, डॉकर डेस्कटॉप जो कि विंडोज में यूज करते हैं, फिर आता है इमेजेस और रजिस्ट्रीज। तो ये डॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन की भी लिंक है, चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे हमने कंपोनेंट्स की बात करी, डॉकर डीमन मतलब जो भी हमें कंटेनर बनाना है या जो भी हमें कंटेनर रन करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डॉकर डीमन, ठीक है, अलग अलग कंटेनर्स को बिल्ड करने के लिए, रन करने के लिए, उनको जो भी रिसोर्स हमें देना है वो सब करने के लिए, या फिर इमेज को रजिस्ट्री से पुल करने के लिए डॉकर डीमन रिस्पॉन्सिबल होता है। डॉकर क्लाइंट क्या होता है, जो कि सेंड करता है रिक्वेस्ट डॉकर डीमन को, ठीक है। डॉकर डेस्कटॉप एक GUI बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि विंडोज के लिए है, जिसको तुम इंस्टॉल करके इजीली इमेजेस को पुल कर सकते हो, रन कर सकते हो। अब इमेजेस क्या होता है, इमेजेस एक रीड ओनली टेम्पलेट होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होता है कि कैसे कंटेनर तुम्हारा बनेगा, मतलब जो हम बात कर रहे हैं ना कि कंटेनर एक सॉफ्टवेयर यूनिट है जिसके अंदर कोड और डिपेंडेंसीज होगी, वो बनेगा कैसे, तो उसका जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेगा, जो भी कोड रहेगा, वो रहेगा डॉकर फाइल, डॉकर इमेज के अंदर, और वो डॉकर फाइल से बनता है, वो आगे देखेंगे कैसे बनता है। रजिस्ट्रीज क्या होता है कि रजिस्ट्रीज जो है वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि सारी डॉकर इमेज, जो हमने बात की ना कि कैसे कोई कंटेनर रन होता है, तो पहले से काफी सारे जैसे उबंटू है, काफी सारे इमेजेस ऑलरेडी होती है, तो वो यहाँ पे स्टोर होती है रजिस्ट्रीज में। इसका भी एग्जाम्पल अभी देखते हैं, तो अभी जैसे हमने देखा कि हमारे पास कंपोनेंट है, डॉकर क्लाइंट है हमारे पास, डॉकर डीमन है, और फिर रजिस्ट्रीज है। तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये इमेज पुल करनी है या ये इमेज रन करनी है, कंटेनर रन करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने डॉकर पुल की कमांड मारी कि मुझे ये वाली इमेज चाहिए रजिस्ट्रीज में, तो डॉकर डीमन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा रजिस्ट्री में कि सपोज इंजिनेक्स की इमेज चाहिए हमें, हमने यहाँ पे बोला डॉकर पुल इंजिनेक्स, तो डॉकर डीमन ने इंजिनेक्स की इमेज निकाली रजिस्ट्री से और लोकली डाली, फिर हमारे पास लोकली वो आ चुकी है डॉकर होस्ट पे, उसके बाद ये हमें दे देगा कि हाँ पुल हो गई है। अगर हमें बिल्ड करनी है इमेज तो हम डॉकर डीमन को रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो इमेज को यूज करके बिल्ड करता है इमेज,
देन अगर हमें कंटेनर रन करना है तो उसके लिए हम डॉकर एंड कमांड यूज करते हैं, जो कि डॉकर डीमन क्या करेगा, इमेज उठाएगा लोकल रिपोजिटरी से, अगर होगी तो, नहीं होगी तो रजिस्ट्री से उठाएगा और फिर उसके बेस पे कंटेनर रन करेगा। तो कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, ओके, बिल्ड वाला, ओके, ठीक है। तो जैसे हम बात करें ना कि इमेज होती है जो रजिस्ट्रीज में पड़ी होती है, अगर हमें खुद की एक इमेज बनानी है, हमें खुद का एक सॉफ्टवेयर यूनिट बनानी है जिसमें हम कोड और डिपेंडेंसीज डाल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि हमें इमेज बिल्ड करनी है। तो हम क्या करेंगे, उसका कोड देंगे, डॉकर फाइल में हम वो कोड देते हैं, उसके बाद हम डॉकर बिल्ड कमांड देंगे और डॉकर डीमन को बोलेंगे कि भाई ये वाला कोड, ये वाली डॉकर फाइल यूज करके एक इमेज बनाओ और उससे हमें कंटेनर रन करना है। तो उसके लिए हम डॉकर बिल्ड कमांड यूज करते हैं। तो क्लियर है ये चीज कैसे कस्टम, जो हमारा मैं बात कर रही हूँ कस्टम इमेज बनाने की, वो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, बट अभी ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है कि डॉकर डीमन क्या करेगा। डॉकर डीमन हमसे रिक्वेस्ट लेगा, अगर हमारे पास वो चीजें, उसके पास वो चीजें ऑलरेडी होंगी लोकली तो वो यहाँ से लेगा, अदरवाइज वो रजिस्ट्री से पुल करेगा इमेज और फिर रन करेगा कंटेनर्स वगैरह। कोई डाउट है, इज इट क्लियर? ओके, अगर क्लियर नहीं है ना तो दोबारा भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि रजिस्ट्री से हम इमेज पुल कर सकते हैं, जो डॉकर डीमन होता है वो रजिस्ट्री से उठाता है। तो जैसे एक हमारे पास है डॉकर हब, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस ऑलरेडी होती है, जैसे अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज हमें चाहिए इंजिनेक्स की इमेज, यू सी कि यहाँ पे वो ऑलरेडी कमांड दे देता है कि डॉकर पुल इंजिनेक्स कमांड यूज करके हम इस इमेज को पुल कर सकते हैं लोकली, ठीक है। अभी डॉकर डेस्कटॉप, डॉकर डेस्कटॉप एक जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन है जिससे, जो कि तुम विंडोज में इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे हम इमेजेस रन कर सकते हैं, कंटेनर्स रन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जैसे हम यहाँ पे इमेजेस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे हमारी जितनी भी इमेजेस हैं लोकली हमारे पास वो सारी लिस्ट हो जाती हैं, राइट। इधर कंटेनर्स वाले टैब में तुम लोग जाके देख सकते हो कि क्या क्या कंटेनर्स रनिंग है या क्या क्या कंटेनर्स स्टॉप हो चुके हैं, वॉल्यूम्स देख सकते हो, क्या क्या बिल्ड हो रहा है वो सब देख सकते हो लोकली भी, और हब से या फिर रिपोजिटरी से, जो रजिस्ट्री से जो हम बात कर रहे हैं वो वाली इमेजेस भी तुम यहाँ से पुल कर सकते हो। तो जैसे इस टाइप का प्लेटफॉर्म है डॉकर डेस्कटॉप का, यहाँ पे कंटेनर्स टैब के अंदर हम है और यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे ये एक कंटेनर रनिंग है, यहाँ पे स्टेटस दिखाता है कि वो रनिंग है, कब स्टार्ट हुआ था, कितना सीपीयू कंज्यूम कर रहा है वो। तुम यहाँ से इसको डायरेक्टली स्टॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इमेजेस पे जाके चेक कर सकते हो क्या क्या इमेजेस तुम्हारे पास लोकली हैं, तुम यहाँ से पुल कर सकते हो इमेजेस, इवन डिलीट कर सकते हो या कंटेनर रन कर सकते हो सेम वे में सारा। अभी इंस्टॉल कैसे करना है, डॉकर डेस्कटॉप तो हो गया जिनको विंडोज पे यूज करना है। अब जैसे हमने जो वीएम बनाया, हमने WSL किया, हमने काली लिनक्स इंस्टॉल किया, उस पर कैसे डॉकर इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए कमांड होती है sudo apt install docker.io। इससे sudo, पता है sudo किस लिए यूज करते हैं, anyone, sudo क्यों यूज करते हैं हम? सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल, चैट, सुपर यूजर प्रिविलेजेस, ओके,
एनीवन एल्स, बाकी सारों को क्या लगता है कि ये सूडो क्यों यूज करते हैं? बाकी और नवनीत, प्रशांत, तुम्हें क्या लगता है? ओके, अभिजीत, ओके ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे अभी बात की कि हम जैसे विंडोज में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं, मतलब एडमिन एक्सेस हमें चाहिए, रूट एक्सेस हमें चाहिए कि हम सारी कमांड्स रन कर सकते हैं, हमारे सिस्टम पे हम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं. तो उसके लिए हम बोलते हैं कि एक रूट एक्सेस हमें चाहिए होती है. अभी किसी भी कमांड को अगर तुम्हें मतलब ज्यादा प्रिविलेजेस चाहिए होती है रन करने के लिए, तो वहां पे हम सूडो लगाते हैं. तो मोस्ट ऑफ यू हैव सेड इट करेक्टली कि हमें यूजर को ज्यादा प्रिविलेजेस देने के लिए सूडो एक्सेस देनी होती है. तो जैसे डॉकर को जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें सूडो एक्सेस देनी होती है, तो इसलिए हमने सूडो लगाया. उसके बाद apt इंस्टॉल docker.io करके हमने उसका पैकेज इंस्टॉल किया. उसके बाद वर्जन चेक करने के लिए सिंपली अगर हमें चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, तो उस केस में हम हर किसी पैकेज का वर्जन चेक करते हैं. तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डॉकर वर्जन कमांड. तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे देता है. अभी चेक करते हैं, कुछ कमांड्स रन करते हैं कि डॉकर चलता कैसे है. राइट, तो जो भी आपने इंस्टॉल किया है, काली इंस्टॉल किया है या उबंटू इंस्टॉल किया है, उसमें टर्मिनल खोलना है हमें. उसके बाद अगर मुझे कंटेनर रन करना है किसी इमेज से, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं डॉकर रन कमांड. ठीक है, तो पहले तो हमने सूडो डाला कि हमें रूट प्रिविलेजेस देनी पड़ेंगी डॉकर रन करने के लिए. उसके बाद हमने डॉकर रन लिखा. उसके बाद ये आईटी लिखा है. हाइफन आईटी का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? हाइफन आईटी हम क्यों लिखते हैं कमांड में? इंटरेक्टिव मोड में चलाने के लिए. हाँ, इंटरेक्टिव मोड में चलाने के लिए. मतलब कि जब हम किसी चीज को रन कर रहे हैं तो हमें उसके लॉग्स देखने हैं, हमें देखना है कि क्या वो प्रिंट कर रहा है या क्या चल रहा है या नहीं चल रहा. तो उसके लिए हम इंटरैक्टिव मोड में चलाते हैं. उसके बाद उसके बाद हम यूज कर रहे हैं हाइफन पी. हाइफन पी होता है पोर्ट बाइंड करने के लिए. मतलब कि तुम्हारा जो होस्ट है उसमें क्या पोर्ट पे सर्विस रन होगी और कंटेनर के अंदर क्या पोर्ट पे सर्विस रन होगी. तो इसको लिखते हैं हाइफन पी. पहले लिखते हैं हम होस्ट का पोर्ट जो कि 8080 है. उसके बाद हम लिखते हैं कंटेनर के अंदर किस पोर्ट पे वो रन होगा जो कि इस केस में 80 है. उसके बाद हम हाइफन हाइफन नेम ऑप्शन देते हैं. उसके आगे हम जो हमारा कंटेनर है उसका नाम देते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम एक इमेज से ही कंटेनर रन करेंगे. तो लास्ट में हमने इमेज का नाम दिया. इमेज का नाम कुछ भी दे सकते हो, उबंटू दे सकते हो, इंजीनियर दे सकते हो, जिसका भी कंटेनर तुम्हें रन करना है उस इमेज का नाम देना है. तो जब हम इस कमांड को रन करेंगे तो यू सी कि देखो, पहले तो इसने कंटेनर इमेज पुल किया. यहाँ पे सारा पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी इंजिनेक्स, इसने पहले पुल किया कंटेनर रन किया. और यहाँ पे देख लो कि लॉग्स आ रहे हैं कि वर्कर प्रोसेस 30 चल रही है, या फिर जितने भी हमारे सिस्टम लॉग्स आएंगे ना, कोई भी सर्विस हम जब रन करते हैं कुछ कुछ लॉग्स आते हैं, तो वो यहाँ पे हमें दिखेंगे क्योंकि हमने इसको इंटरैक्टिव मोड पे रन किया है. ठीक है, अब क्योंकि इंजनएक्स हमने रन किया है 8080 पोर्ट पे, इसको खोला है, तो जब हम अपने ब्राउजर पे जाके 8080 पोर्ट पे देखेंगे लोकल होस्ट पे, तो तुम्हें इंजनएक्स रनिंग दिख जाएगा. इसके अलावा अगर मैं 8081 डालूंगी तो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने 8080 पे ही बाइंड किया है, तो 8080 पे ही रन होगा. ठीक है, इसके बाद इसको स्टॉप कर देंगे.
अब जैसे कि मैंने बताया कि एक होता है इंटरैक्टिव मोड जिसपे कि तुम्हें लॉग्स वगैरह सारे दिखते हैं, सर्विस रन हो रही है, कुछ एरर आ जाता है तो वहां पे लॉग होता रहता है, ठीक है। एक होता है डिटैच, हाइफ़न डी होता है डिटैच मोड के लिए, मतलब तुम्हें कंटेनर रन करना है, तुम्हें बस उसको बैकग्राउंड में चला देना है, तुम उसके लॉग्स नहीं देखना चाहते वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हम डिटैच मोड पे चलाते हैं कि जब हमें कंटेनर रन करके बैकग्राउंड में छोड़ देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सूडो डॉकर रन हाइफ़न डी, आईटी की जगह हम यूज करेंगे हाइफ़न डी, यहाँ पे इसकी जगह हम यूज करेंगे हाइफ़न डी, देन अगेन द सेम कमांड कि पहले पोर्ट बाइंड करना है, फिर अगर तुम्हें कंटेनर को नेम देना है तो हाइफ़न हाइफ़न नेम, उसके बाद कंटेनर का नाम, एंड देन लास्ट में इमेज का नाम। उसके बाद हमने कंटेनर रन कर दिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कंटेनर चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि अगर हमने डिटैच मोड पे रन किया है ना तो हमें आउटपुट में बस एक कंटेनर आईडी आती है। जैसे देखो, जैसे जब हमने इंटरैक्टिव मोड पे रन किया था तो वो लॉग्स चले जा रहे थे, ठीक है, लेकिन जब हमने इसको डिटैच मोड पे रन किया तो जब हमने इसको डिटैच मोड पे रन किया, इसने उसकी कंटेनर आईडी प्रिंट किया, अब कंटेनर हमारा बैकग्राउंड में चल रहा है लेकिन हमारे पास यहाँ पे सीएलआई की एक्सेस आ गई है, तो इसका मतलब हमने ये डिटैच मोड में हमारा कंटेनर रन किया था, ठीक है। अब अगर हमें कंटेनर लिस्ट करना है कि कौन कौन से कंटेनर हमारे रनिंग है, उसको लिस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं डॉकर पीएस कमांड, सूडो डॉकर पीएस, उसके बाद हमारे पास कंटेनर आईडी, उसका नाम, उसकी कमांड, कब क्रिएट हुआ था, क्या स्टेटस है, किस पोर्ट पे ओपन है, वो सारी डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद हमने इमेज भी पुल की, क्योंकि हमने जो कंटेनर रन किया वो था इंजिनेक्स का, राइट, तो उसने पहले क्या किया, डीमन ने पहले इंजिनेक्स की इमेज को पुल किया रजिस्ट्री से, फिर उसका कंटेनर रन किया, तो हमारे पास वो इमेज भी आ गई लोकली, तो उसको चेक करने के लिए हम करेंगे सूडो डॉकर इमेजेस, इमेजेस में हमारा इंजिनेक्स आ गया, इमेज की आईडी आ जाती है, कब क्रिएट हुआ है वो आ जाता है। अगर किसी रनिंग कंटेनर को हमें स्टॉप करना है तो उस केस में हम यूज करेंगे सूडो डॉकर स्टॉप कंटेनर का नाम या फिर कंटेनर की आईडी, ठीक है। जैसे हमने जब स्टॉप किया उसके बाद अगर हम पीएस करेंगे ना तो वो हमें लिस्ट नहीं होगा, अगर जैसे अभी तक जो भी हमने कमांड पढ़ी वो थी इमेज रन की, राइट, तो पहले तो हमने इमेज कंटेनर रन करा sudo docker run command, उसके बाद अगर हमें images list करनी है तो हमने use किया sudo docker images, अगर हमें containers जो हमारे running containers हैं उनको list करना है तो हम use करेंगे sudo docker ps, अगर हमने stop कर दिया container को और अब हमें देखना है कि कौन कौन से container stop हैं, उसके लिए हम use करते हैं sudo docker ps hyphen a, hyphen a का मतलब होता है जितने भी containers हैं वो stop है या फिर running है सबको list करना है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है किसी भी कमांड में, कुछ भी डाउट, क्लियर है सबको? ठीक, अभी हमने इमेजेस पुल कर लिया, हमने कंटेनर रन कर लिया, हमने कंटेनर स्टॉप कर लिया, अब अगर हमें कंटेनर को रिमूव करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉकर आरएम कमांड, सो उसके लिए लिखते हैं sudo, sudo for root privileges, docker, rm और कंटेनर का नाम, कंटेनर के नेम की जगह तुम कंटेनर का आईडी भी दे सकते हो। अगर हमें मल्टीपल कंटेनर्स, जैसे हमने मल्टीपल कंटेनर्स रन किए और स्टॉप कर दिया, मुझे उनको डिलीट करना है मल्टीपल कंटेनर्स को, तो सिंपली क्या करेंगे ना, एक के बाद एक का नाम लिख देंगे, जैसे हमने पहले माई कंटेनर टू लिखा फिर माई कंटेनर लिखा, तो ये क्या करेगा, दोनों कंटेनर्स को रिमूव कर देगा, ठीक है।
अगर हमें एक पर्टिकुलर इमेज को रिमूव करना है, मतलब जो हमने इंजनएक्स की इमेज हमने पुल की अगर उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं sudo docker rmi hyphen f, ठीक है। उसके बाद चेक कर सकते हो तुम डॉकर इमेजेस और डॉकर पीएस करके कि वो इमेज डिलीट हुई या नहीं हुई, या फिर वो कंटेनर डिलीट हुआ या नहीं हुआ। अभी हमने बात की, जैसे हम वीएम जब इंस्टॉल करते हैं तो वीएम के अंदर हम टर्मिनल एक्सेस करके उसमें कमांड्स रन कर सकते हैं, उसके अंदर फाइल्स बना सकते हैं और उसके अंदर हमारा जो भी हमें फंक्शनिंग करनी है वो कर सकते हैं। अब कंटेनर्स के अंदर हम टर्मिनल कैसे एक्सेस करेंगे, कंटेनर्स के अंदर अगर मुझे कमांड्स रन करनी है तो वो कैसे करेंगे, या फिर उसके अंदर मुझे कोई फाइल बनानी है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, sudo docker exec कमांड हम यूज करेंगे, it is again for interactive mode, ठीक है। उसके बाद हम कंटेनर का आईडी लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे बैश। बैश सबको पता है कि शेल है, ठीक है। तो ये कमांड लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास कंटेनर का शेल आ जाएगा, उसके अंदर तुम कमांड्स रन कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे किया हुए मैं रन किया तो हमें पता चल गया कि ठीक है रूट यूजर है। उसके बाद ls किया, लिस्ट किया सारी फाइल्स को, तो हमें बहुत सारी फाइल्स मिल गई। उसके बाद एक फाइल क्रिएट करके देखा, तो ऐसे क्या है कि तुम अब कंटेनर के अंदर तुम कमांड्स चला रहे हो। तो अभी तक हमने देखा कि हम कैसे एक इमेज को पुल कर सकते हैं, कैसे इमेज से कंटेनर को रन कर सकते हैं, इमेज को रिमूव कर सकते हैं, रनिंग कंटेनर को स्टॉप कर सकते हैं, या फिर जो कंटेनर हमारे सारे लिस्ट हो रखे हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वो इमेज अभी बनानी है, हमें अपनी खुद की डॉकर इमेज बनानी है और उसका कंटेनर रन करना है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, एक डॉकर फाइल बनानी होती है, ठीक है। जैसे बहुत बेसिक से एग्जाम्पल है डॉकर फाइल का, हमेशा डॉकर फाइल को कोई एक्सटेंशन नहीं वो होती, इसमें कैपिटल डी इस नेम से हमें इसको सेव करना होता है डॉकर फाइल को, और उसमें क्या होता है कुछ कुछ हमें ऐसे कमांड्स लिखनी होती हैं कि हमारा कंटेनर क्रिएट कैसे होगा। जैसे बात की हमने कि डॉकर इमेज जो होती है वो टेम्पलेट होती है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है कि कैसे कंटेनर बनेगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं बेस इमेज कि हम किस इमेज पे हमारा कंटेनर रन कर रहे हैं, कि हमें Ubuntu चाहिए, यहाँ पे तुम पाइथन रख सकते हो कि हमें पाइथन एनवायरनमेंट चाहिए, उसके ऊपर मुझे ये पाइथन की एप्लीकेशन रन करनी है, तो यहाँ पे मैं बेस इमेज में लिखूंगी पाइथन। अभी जैसे हम एक सिंपल इंजनएक्स का सर्वर रन कर रहे हैं तो हमने बेस इमेज ले ली Ubuntu, ठीक है। उसके बाद रन, रन का मतलब होता है कि जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर हमें ये कमांड्स रन करानी है, जैसे apt get अपडेट किया पैकेज अपडेट करने के लिए, देन उसके बाद हमने इंस्टॉल किया इंजनएक्स, ठीक है। अब उसके बाद इंजनएक्स इंस्टॉल हो गया तो अब हमें उसमें पोर्ट एक्सपोज करने पड़ेंगे। जब हम कंटेनर रन कर रहे थे तो हमने पोर्ट बाइंड किया था, तो उस केस में हमें पहले पोर्ट एक्सपोज करने पड़ते हैं डॉकर फाइल को, तो यहाँ पे हमने जैसे पोर्ट 80 एक्सपोज किया है। उसके बाद जब हमारी कंटेनर रन हो जाएगा तो उसमें क्या क्या कमांड्स हमें रन करानी है स्टार्टिंग में, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है कि कैसे एक सिंपल सी डॉकर फाइल बनती है, ठीक है। अब इसको डॉकर इमेज में कैसे बनाए, डॉकर फाइल तो हमने लिख दी, कोड तो हमने लिख दिया, अब इसको कैसे बिल्ड करना है, तो उस केस में हमारी होती है डॉकर बिल्ड कमांड यूज। तो जैसे हमने बोला कि अगर हमें हमने डॉकर फाइल बना लिया, अब हमें उसको बिल्ड करना, उसकी इमेज को बिल्ड करना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे sudo docker build hyphen t जो होता है वो नेम प्रोवाइड करने के लिए होता है कि जो तुम्हारी इमेजेस का नाम क्या होगा, तो hyphen t के आगे मैंने लिखा फर्स्ट इमेज होगी हमारा नाम। उसके बाद डॉट, डॉट का मतलब होता है कि जो डॉकर फाइल है तुम्हारी वो वर्किंग डायरेक्टरी में, अगर वो किसी और डायरेक्टरी में किसी और फोल्डर में, तो यहाँ पे तुम्हें उसका पाथ देना पड़ेगा किस फोल्डर में वो डॉकर फाइल एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जब इस कमांड को तुम रन करोगे तो तुम्हारी डॉकर इमेज बिल्ड हो जाएगी, क्योंकि sudo एक्सेस है तो यहाँ पे पहले वो पासवर्ड मांगेगा, फिर उसके बाद वो बिल्ड करेगा, और जब वो बिल्ड हो जाएगी तो तुम्हें आ जाएगा सक्सेसफुली टैग्ड फर्स्ट इमेज, ठीक है। उसके बाद अगर ये इमेज को हमें रन करना है, पहले हम चेक करेंगे कि वो इमेज हमारी आई या नहीं आई, तो हमने क्या किया sudo docker images करके चेक किया कि हमारी जो हमने फर्स्ट इमेज अभी जो बनाई है वो लिस्ट हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखो कि Ubuntu हमने पुल कर रखा है, इंजन एक्स पुल कर रखा है, और ये जो हमारी फर्स्ट इमेज है ये अभी अभी हमने हमारी डॉकर फाइल की हेल्प से बनाई है।
उसके बाद अगर इसको रन करना है तो सेम वे में, जैसे हम बाकी इमेजेस को लेके करते हैं ऐसे सेम वे में इधर करना है। यहाँ पे हमने लिखा डॉकर रन हाइफन पे पहले पोर्ट बाइंड किया कि होस्ट में तो हमारा 8080 हो और कंटेनर के अंदर 80 हो, उसके बाद हमने इमेज का नाम लिख दिया। उसके बाद रनिंग जैसे अभी हमने इमेज बना ली, हमने इमेज को लिस्ट कर लिया, अब उससे कंटेनर भी बना लिया। अब रनिंग कंटेनर को अगर हमें लिस्ट करना है तो उसके लिए हम डॉकर पीएस कमांड यूज करेंगे। और यहाँ पे देखो कि कौन सी इमेज यूज कर रही है, यहाँ पे बना रहा है फर्स्ट इमेज जो कि अभी हमने कस्टम इमेज बनाई उसको यूज करके कंटेनर रनिंग है अभी। तो इस तरह से बेसिकली हम डॉकर इमेज से कंटेनर रन करते हैं या कंटेनर रिमूव करते हैं, हम कस्टम डॉकर इमेज बनाते हैं। तो अभी तक किसी को डाउट कुछ कैसे बनाना है या क्या है, कोई डाउट? क्लियर है सबको? तो अभी क्या करना है ना तुम्हें कि जो सेकंड आर होगा उसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज हम लोग देंगे, वो तुम्हें ये सब परफॉर्म करना है। और हम लोग तुम्हें डिस्कॉर्ड पे लास्ट के मतलब वन आर के लास्ट के 15 मिनट्स में 1-to-1 कनेक्ट होंगे और सारा चेक करेंगे कि मतलब कोई भी डाउट आया तुम्हें या कहीं अटके तो तुम उस टाइम पर हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या करना है, पहले तो जो डॉकर हब मैंने दिखाया था पीछे प्लेटफॉर्म उस पर एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद डॉकर डेस्कटॉप को विंडोज पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद तुम्हें डॉकर हब का अकाउंट चाहिएगा तो उसमें इधर तुम्हें लॉगिन करना है। उसके बाद जो तुमने कल वर्चुअलाइजेशन में वीएम बनाए, उबंटू का बनाया, काली लिनक्स का बनाया, उसके अंदर डॉकर इंस्टॉल करना है कमांड के थ्रू, ठीक है। अब जो वीएम है उसमें डॉकर कंटेनर रन करना है इंजीनेक्स का, ठीक है। इंजीनेक्स की इमेज तुम रजिस्ट्री से पुल करके उसके ऊपर एक कंटेनर रन करना है। सेम विंडोज में तुम्हें डॉकर कंटेनर रन करना है वीएस एफटीपीडी सर्विस का, उसकी भी तुम्हें इमेज इजीली मिल जाएगी डॉकर हब पे, ठीक है। तो ये सारे एक्टिविटीज तुम्हें परफॉर्म करनी है नेक्स्ट आर में, और लास्ट के 15 मिनट्स में हम लोग कनेक्ट करेंगे मीट पे या जो भी नीड होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर 1-to-1 सेशन में कोई भी डाउट आता है तो वहां पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको क्लियर है ना एक्टिविटी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कैसे क्या करना है? कोई भी क्वेश्चन में डाउट, एनीवन? क्लियर है तो चैट में क्लियर लिखो यार। ठीक है, तो ये प्ले विद डॉकर एक मतलब प्लेग्राउंड है, डॉकर प्लेग्राउंड। यहाँ पे तुम डॉकर की इमेज कमांड्स रन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, तो ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी अच्छा टूल है, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि कंटेनर्स कैसे रन करना है, कंटेनर्स की इमेज कैसे बिल्ड करनी है, इमेज से कंटेनर कैसे रन करना है, वो सब देखा। अब हमारे पास डॉकर कंपोज, सपोज हम एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, वहां पे हमें एक फ्रंट एंड सर्विस रन करनी है, एक बैक एंड सर्विस रन करनी है, कुछ हमें SSH की सर्विस रन करनी है या FTP की सर्विस रन करनी है। जब हमें अलग अलग सर्विस हमारी एक ही एप्लीकेशन के अंदर रन करनी होती है तो उस केस में हम डॉकर कंपोज यूज करते हैं। मतलब कि अगर हमें अलग अलग कंटेनर्स रन करने हैं एक साथ, अगर हमें मल्टी कंटेनर रन करना है तो हम उसके लिए डॉकर कंपोज यूज करेंगे। मतलब वही है, फीचर्स क्या है कि सिंप्लीफाई हो जाता है कंट्रोल करना, एक ही कमांड से तुम सारे कंटेनर्स को अप कर सकते हो, एक ही कमांड से सारे कंटेनर्स को डाउन कर सकते हो, एफिशिएंट होता है, इजीली पोर्टेबल होता है कि अगर अलग अलग डेवलपर्स काम कर रहे हैं कि एक ही एनवायरनमेंट के अंदर अगर काम करना है तुम्हें तो इजीली तुम उसको शेयर कर सकते हो। तो वही आइडिया है कि जैसे हमारी एक एप्लीकेशन है उसके अंदर हमें एक तो कंटेनर चाहिए एफटीपी का, एक कंटेनर चाहिए हमारी फ्रंट एंड का जो कि HTTP ले लो, एक हमें चाहिए नोड का कंटेनर जो कि बैक एंड सर्विस को रन करेगा। तो अगर हमें मल्टीपल कंटेनर्स को रन करना है एक साथ तो उसके लिए हम यूज करेंगे डॉकर कंपोज। सेम वही है कि एक कंटेनर रन करना है तो हम डॉकर कंटेनर रन करते हैं सिंपली जो अभी तक हमने कमांड्स किए हैं, उसके बाद हमें अगर मल्टीपल कंटेनर्स को रन करना है तो उसके लिए हम डॉकर कंपोज का यूज करते हैं। अभी उसके आर्किट जैसे अभी हमने बात किया, अगर मुझे फ्रंट एंड सर्विस और बैक एंड सर्विस रन करनी है एक साथ तो उसको कैसे करेंगे? सिंपली हमारा कोई भी यूजर है 443 मतलब HTTPS पे एक फ्रंट एंड सर्विस को एक्सेस कर रहा है, उसके लिए एक बैक एंड सर्विस चल रही है जो कि डेटाबेस में रीड राइट ऑपरेशन कर रही है, ठीक है। फ्रंट एंड सर्विस में सर्वर सर्टिफिकेट आता है, जो भी सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सब रीड ओनली पे होती है।
मतलब बेसिकली इस आइडिया यही है कि अगर हमें फ्रंट एंड और बैक एंड सर्विस एक साथ चलानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कंटेनर्स चाहिए. अब दो कंटेनर्स को अलग अलग अप करना या डाउन करना, उसके सिंपली हम क्या करेंगे, डॉकर कंपोज यूज करेंगे, हमारी फ्रंट एंड सर्विस और बैक एंड सर्विस को एक साथ रन कर सकते हैं. अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करना होता है. तो जैसे हम डॉकर इमेज बनाने के लिए डॉकर फाइल यूज करते हैं, अगर डॉकर कंपोज हमें बनाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल फाइल. इसके अंदर हमारी जो भी हमारी सर्विस होती है वो लिखते हैं, लिस्ट करते हैं. जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे हमने दो मशीन लिए, एक हमारी SSH की सर्विस रन करेगा और एक हमारी VS FTP की सर्विस रन करेगा, FTP कंटेनर होगा, ठीक है. तो पहले हम लिखते हैं वर्जन, मतलब डॉकर कंपोज का वर्जन हम मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 मेंशन किया है. उसके बाद सर्विसेज के अंदर हम हमारी सर्विसेज को मेंशन करते हैं, जैसे जो हम बात कर रहे हैं ना कि हम मल्टीपल कंटेनर्स को एक साथ वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो एक एक कंटेनर को हम मेंशन करते हैं. जैसे यहाँ पे एक कंटेनर है VS FTP का, एक है SSH का. कौन सी इमेज यूज कर रहे हैं उसके अभी इमेज का नाम लिखते हैं, कंटेनर का नाम क्या होगा वो हम मेंशन करते हैं. उसके बाद ये नेटवर्क, उसके बाद एकदम सबनेट डिफाइन करते हैं कि इस वाले IP पे ये वाला सर्विस रन होगा या इस वाले IP पे ये वाला सर्विस रन होगा. सिंपली हमें करना क्या है, डॉकर फाइल को, डॉकर कंपोज फाइल को जब हमें रन करना होता है तो हम यूज करते हैं sudo डॉकर कंपोज डॉकर हाइफन कंपोज और अब करेंगे तो जितने भी कंटेनर हमने वहां पे मेंशन किया है सर्विसेज में वो सारे रन हो जाएंगे. उनको चेक करने के लिए हम अगेन डॉकर पीएस कमांड यूज कर सकते हैं. सो यू सी, पहले इसने SSH वाली इमेज, FTP वाली इमेज की, फिर उसके बाद SSH वाली इमेज पुल करी और वो दोनों कंटेनर्स को रन किया. सेम अगेन डॉकर पीएस करके हमने चेक किया. जब हमने डॉकर पीएस किया तो हमें दो कंटेनर्स मिल गए जो कि हमने डॉकर कंपोज में लिस्ट किए थे. पहला था VS FTP, दूसरा था SSH इमेज, सेम नेम से लिस्ट हुए, ठीक है. अब इनको एक्सेस करने के लिए हमने दो IP दिए थे. पहले हमने पिंग चेक करके देखा कि वो IP एक्टिव है या नहीं है. दोनों IP को टेस्ट करेंगे. तो उसके बाद हमने क्या किया, अगर हमने हमारा काम हो गया, हमने सर्विसेज रन कर दिया, अब हमें सर्विसेज सारी डाउन करनी है, मतलब बंद करनी है, स्टॉप करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं sudo docker hyphen compose down कमांड. तो यू सी कि पहले इसने FTP कंटेनर को स्टॉप किया, रिमूव किया, उसके बाद SSH कंटेनर को स्टॉप किया और रिमूव किया. जब हमने डाउन कर दिया उसके बाद जब हमने डॉकर पीएस किया, डॉकर पीएस मतलब रनिंग कंटेनर शो कराता है, तो उसके बाद हमने देखा कि जो दो कंटेनर शो हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे, मतलब कि वो स्टॉप हो चुके और रिमूव हो चुके हैं, ठीक है. तो डॉकर कंपोज में अभी तक किसी को डाउट है कि क्या है, कैसे करना है, कोई भी डाउट, एनीवन? क्लियर है सबको? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, नसीम क्लियर है. बाकी अभिजीत, नवनीत, प्रशांत, ओके, कोई डाउट है अभी तक किसी में भी पुराने टॉपिक्स में? ठीक है. तो बेसिकली जैसे हमने अभी डॉकर कैसे इंस्टॉल करना है काली यूनिट्स पे वो देखा था, डॉकर कंपोज भी कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं. उसके लिए हमें यूज करना है sudo apt install docker hyphen compose काली में या उबंटू में जैसे करते हैं, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज कर सकते हैं. अब इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए हम डॉकर कंपोज का वर्जन चेक कर सकते हैं. उसके लिए वाली कमांड यूज कर सकते हैं docker hyphen compose उसका भी वर्जन, तो ये लिस्ट कर देगा कि वो वर्जन है या नहीं है. अब नेक्स्ट टास्क है कि जैसे हमने भी डॉकर इमेज कैसे बनाते हैं वो चेक किया था, राइट?
तो तुम्हें क्या करना है, एक डॉकर इमेज बनानी है जो कि अपाचे वेब सर्वर को रन करेगी, और एक कस्टम एचटीएमएल का पेज बनाना है। अपाचे वेब सर्वर किस किस को आइडिया है क्या है? ओके, तो क्या करना है ना, तुम्हें एक्सप्लोर करना है डॉकर हब पे कि अपाचे का कंटेनर हमें कैसे रन करना है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर एक एचटीएमएल पेज कैसे डाल सकते हैं अपाचे वेब सर्वर में, वो देखना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक डॉकर इमेज बनानी है जो कि कंटेनर रन करेगी अपाचे वेब सर्वर का, ठीक है। ये ट्राई करना, नहीं होता है तो वन ऑन वन सेशन में तुम डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, डॉकर कंपोज उबंटू या काली में इंस्टॉल करना है। तो वेब थ्री वालों को उबंटू में करना है और एथिकल हैकिंग वालों को काले लिनक्स में करना है, बाकी अगर दोनों में करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, डॉकर कंपोज जो कि हमने पढ़ा कि हम मल्टीपल सर्विसेज रन कर सकते हैं, तो उसके लिए तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, दो सर्विसेज रन करनी है, फ्रंट एंड सर्विस और बैक एंड सर्विस। फ्रंट एंड सर्विस में इंजीनएक्स रन करना है जो कि पोर्ट 80 पे एक्सेस होगा, और बैक एंड सर्विस में तुम्हें नोड जेएस यूज करनी है और वो रन करना है जो कि पोर्ट 3000 पे एक्सेस होगा। मतलब एक सिंपल सी फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनानी है जिसमें फ्रंट एंड सर्विस भी रहेगी, बैक एंड सर्विस भी रहेगी, और दोनों अप होंगी डॉकर कंपोज से, ठीक है। तो कोई डाउट है अभी तक इन क्वेश्चंस में, कोई डाउट है कैसे?